वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग, आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले तो जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाके पहले ज्वाइन करके आओ, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, ये थी जो कल की केवीके जो होकर गई है, जो कि गलत टाइम पे आया दिवाली के दिन, तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हमने फाइट की। यहाँ पे मेरे अल्ट के ऊपर फर्स्ट रैली स्टार्ट की थी। केवी के तो पता ही कैसे होता है, चाहे 4K हो, चाहे 2K हो, चाहे 1 vs 1 हो, डेड होता है। तो ये भी कोई ऐसा नहीं था कि धमाकेदार होगा, ये भी डेड था। तो कोई स्ट्रॉन्ग गिल्ड नहीं था ओपोनेंट में, ना वंडर्स पहले रैलीस हुई, ना क्या बोलते हैं कोई टारगेट था इतना बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे अल्ट के ऊपर रैली सेट की थी, एक नॉर्मल लीड था, कोई ऐसा धासु नहीं था, बट आर्टिकट उसके अच्छे थे। तो यहाँ पे उसने मेरा अल्ट देखा, जिसकी मतलब किल्स भी कम थी, तो उसको लगा होगा कि बढ़िया टारगेट है। तो बस उसने क्या किया, रैली कर दी सेट। यहाँ पे मैं अथर्वा को बोल रहा हूँ कि मेरी वॉल डाउन कर दो, क्योंकि मुझे पता था कि रैली मिक्स आने वाली है। सब लोग, पता नहीं आजकल ट्रेंड हुआ पड़ा है कि मिक्स रैली मारो, मिक्स रैली मारो। पता नहीं इन्होंने मिक्स रैली का क्या बोलते हैं, अटैक कम कर दिया या क्या कर दिया, इतना डैमेज नहीं मिल रहा मिक्स रैली से। स्टार्टिंग में काफ़ी लोग बर्न हुए हैं, बट अब नहीं बर्न हो रहे मिक्स रैली से। तो यहाँ पे रैली लॉन्च होने वाली है, कुछ ही सेकंड बचे हैं। एंड मेरे पास अल्ट्रा बूस्ट भी था, एंड लीडर भी था, एंड फोर्ट का स्टैट भी था, बट ये लीड इतना फास्ट नहीं था, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट इनके पास कार्पेट सपोर्ट इतनी। ये देखो, 30 मिनट थे रैली वॉक में, एंड सिर्फ 7 सेकंड में इसकी रैली टच हो जाती। गेयर इतने बेकार भी नहीं है, बट इसके पास चैंप असेसरी नहीं थी, तो मुझे अटैक बूस्ट ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लीड नहीं था। यहाँ पे इसने मुझे डैमेज सिर्फ 1.1 मिलियन का डैमेज दिया, जो कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे T4 इतने वुंडेड भी नहीं हुए इस रैली से। एंड उसको ये भी नहीं पता चला होगा कि मेरा रेंज का रीइंफोर्स ट्रैप है, क्योंकि इतनी मेरी माइट अगर ज़्यादा डाउन होती, ज़्यादा T4 डेड होते, तो वो न्यूज़ से पता लग सकता था उसको कि T4 को हिट किया। तो इस रैली से उसको पता नहीं चला होगा कि उसने T4 को एक्चुअली हिट किया, क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं बनी। एंड यहाँ पे उसने 4 Pact 5 के फैम लगाए हुए, एंड एक शील्ड फैम लगाया हुआ, शायद इसकी वजह से मुझे डैमेज इतना ज़्यादा मिला। अगर क्या बोलते हैं ग्रेफन होता, तो शायद मुझे डैमेज ज़्यादा मिलता। एंड इस रैली के बाद उन्होंने रैली बंद कर दी है। उसके बाद उन्होंने रैली की, जब शाम के 7 बजे, जब पूजा का टाइम था दिवाली का दिन, एंड उस टाइम पे मैं बिजी था, बट उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया एंड मेरे ऊपर रैली सेट कर दी। एंड उस टाइम पे मैं ऑफलाइन था, मुझे कॉल आई कि रैली हो रही है, तो तुरंत मैं ऑनलाइन गया। एंड तब 2 मिनट बचे थे, उन्होंने मेरा फ्रंट चेक किया था, जो कि मैं रेंज फेलक्स में था। एंड यहाँ पे या तो तुम बोलो कि मैं बेवकूफ़ हूँ या वो बेवकूफ़ थे, मेरा एंटी हट गया था, ना कि ये मुझे भी नहीं पता था एंड उनको भी नहीं पता था। उन्होंने स्काउट ही नहीं किया, 5 मिनट बैठे रहे, कॉम्प टेस्ट करते रहे, बट उन्होंने स्काउट ही नहीं किया। उन्होंने एंटी कैसल का मतलब फ्रंट लाइन चेक करने के टाइप से मतलब निकाल लिया कि ये रेंज फ्रंट में है, तो उन्होंने रेंज फ्रंट टेस्ट किया था। यहाँ देखो क्या होता है मेरे साथ, उन्होंने रेंज फ्रंट टेस्ट किया था, एंड मैंने गैरिसन मांगा, क्योंकि उनको नहीं पता था मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ। शायद उनको पता भी था या नहीं पता था, बट मुझे नहीं पता था कि उनको पता है कि मैं हूँ ऑफलाइन हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन्फेंट्री फेलक्स में आ जाएगा। इन्फेंट्री फेलक्स में मैं इसलिए आया क्योंकि उन्होंने रेंज फ्रंट चेक किया था, एंड मुझे लग रहा था कि वो क्या करेंगे, कैब रैली करेंगे, मतलब मुझे बैम्बूजल करने के लिए कि मैं कैब फ्रंट में आ जाऊँगा एंड वो रेंज रैली मार देंगे। तो इसी चक्कर में मैं इन्फेंट्री फेलक्स में आ गया, जो कि सेफेस्ट था इस सिचुएशन के साथ से, जिस हिसाब से उन्होंने रेंज फेलक्स टेस्ट किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या तो वो रेंज रैली आएगी या आएगी इन्फेंट्री की रैली। तो इस हिसाब से मैं रेंज फ्रंट में बैठ जाता हूँ, एंड ज़्यादातर चांसेस इसके लग रहे थे 80% के, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता था कि वो कैब रैली करें रेंज फ्रंट में। उसने टेस्ट किया, अगर मैं ऑफलाइन निकलता तो सच में तो रेंज हिट करते वो, जो कि कोई बेनिफिट नहीं होता उनको। बट यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही उलट हो जाती है। यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होता है, मैंने रीइंफोर्स लिया फुल T4 की रेंज की,
एंड फ्यूरी में था जानबूझ के कि ये स्टैट मिल जाए, बट उनको नहीं पता था कि मैं ऑन ही ऑफ हूँ। बट अब देखो रैली वो टाइम कितना था, 16 सेकेंड, एंड कारपेट 75% की कारपेट मार रहे थे। जैसे ही मैं चेंज करता कैव रैली हिट कर जाती इन्फिनिटी फिलिंग्स में, डैमेज देखो कितना मिला, 7.5+ जो फैम का। यहाँ पे एक गलती मैंने और की कि शायद अगर मैं इन्फेंट्री वेज में होता तो इतना डैमेज ना मिलता जितना मुझे इन्फेंट्री फिनिक्स में मिला है। बट यहाँ पे मुझे पता था कि वो जानते थे कि मैं ऑनलाइन हूँ, तो रैली करने वाला सच में स्मार्ट था, चाइनीज थे बट स्मार्ट थे। कैब रैली करने का कोई तुक नहीं बनता था, क्या रेंज में फ्रंट में मुझे टेस्ट किया था, अगर मैं ऑफलाइन निकलता तो इसका रैली का कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे ये सेकेंड अटेम्प्ट था जो मैंने फर्स्ट रैली में इनका लीड पकड़ा था, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से रैली सेट कर दी, क्योंकि अब तो इनको पता था वहाँ ऑनलाइन हूँ, बट इनके पास अभी लीड्स काफ़ी थे एंड वो उनके पास सबके पास बनी था, तो एक एक लीड रैली कर रहा था। यहाँ पे तीसरी रैली मैंने रिकॉर्ड नहीं की जो कि कैब रैली थी, एंड ये फोर्थ रैली थी लीडर अटेम्प्ट करने की। मैंने उनको बोला था कि अगर मेरे ऊपर रैली अगर तुम और करते हो तो मैं सभी लीडर छोड़ दूंगा, तो वो करने राजी हो गए। तो उन्होंने यहाँ देखो इन्फेंट्री ब्लास्ट मारा, बट कितनी तेज़ी से मेरे पास आया, बहुत दूर बैठा था कारपेट इतनी मार रहे थे, बट ट्रूप से मेरे पास कैब की इतनी ज़्यादा कि इन्फेंट्री ब्लास्ट कुछ ना कर पाती। अगर यहाँ पर मैं लेट हो जाता तो सारी की सारी रेंज मेरी ख़त्म हो जाती, तो इस चीज़ का मुझे अफसोस भी था कि मेरी रेंज बच गई। अगर मैं काउंटर हो जाता रेंज फ्रंट में फर्स्ट सेकंड रैली में तो भाई बहुत दुख होता सच में, T2 बन जाएंगे बट T4 नहीं बनती है। तो इतना दुख नहीं हुआ, वो तो सेंचुरी में गई हैं, 6 मिलियन तो रिटर्न आ जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से स्पीड अप से बन जाएगी, बट मज़ा काफ़ी आया। एंड इस काउंट से मैंने स्कोर 200 मिलियन+ पहुंच गया, अगर 2-4 रैली और मिल जाती तो 300+ हो जाता, जो कि अब तक का मेरा बेस्ट स्कोर होता। तो गाइस ऐसा ट्रैप में यार सच में ट्रैपिंग करने में बहुत मज़ा है, इतना रैली लीड करने में मज़ा नहीं आता जितना कि ट्रैपिंग करने में मज़ा आता है। यहाँ पे देखो मेरे पास अभी भी 37 मिलियन ट्रूप्स बचे थे जो कि मैंने स्टार्ट किया था 46 मिलियन ट्रूप से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने फ्रेंड्स को साथ भी दिखाना कि ट्रैपिंग कैसे करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।